तो हमें पता है गुनाह कबीरा है, उस सब्जेक्ट के साथ भी जाते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करिए उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए कि किसी भी स्कूल में से आप बच्चे को कोई से 10 बच्चे उठा लें और उन 10 बच्चों को टेस्ट करें तो वो फिजिक्स में भी जीरो होंगे, केमिस्ट्री में भी जीरो होंगे, मतलब नेचुरल साइंसेज में भी जीरो होंगे और सिविक सेंस भी जीरो होगी, उनकी रिलीजियस सेंस भी जीरो होगी, और किसी एक की किसी एक चीज में थोड़ी सी बेहतर होगी तो हम कहेंगे ये टॉपर है क्लास का, या उसको पेपर बड़े अच्छे देने आते हैं उसको क्योंकि रट्टा मारना आता है उसको, उसको अगर नेचुरल टेस्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू गुजारा जाए तो ना सिर्फ उस बच्चे के साथ जाती है, मुझे सिर्फ उनको पेरेंट्स को कसूरवार में ठहराता हूँ क्योंकि कॉन्शियस डिसीजन पेरेंट्स ने लिया था कि ये ले हमारा बच्चा तबाह कर दो, और हम अपने खानदान में नाम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ओ लेवल कर गया, ए लेवल कर गया, अब कैम्ब्रिज जा रहा है या हार्वर्ड जा रहा है, ये एक लड़ाई चल रही है। ऐसी लड़ाई करने वाले मुसलमानों ने तो नहीं इस्लाम का नाम रोशन करना, ना वो तो अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, वो भी किधर 18 में 20 कजन के अंदर बैठ, अगर ये लाइफ स्कोप है आपका तो फिर तो आप कैंसर हैं, यू आर द प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, यू आर द प्रॉब्लम इस्लाम इज सफरिंग फ्रॉम, वी नीड टू गो आउटसाइड आवर फैमिली बाउंड्स। मैं तो मुल्कों की लड़ाइयों के खिलाफ हूं, मैं क्या पाकिस्तान इंडिया खेलने कब से पूरी 70 साल से 4 नस्लें जाया की हमने पाकिस्तान इंडिया लड़ाई में, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हुआ है कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर सिंगल डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ ही कोई नहीं, पहले तो वो लेके आए, ये खुद ही छोटे छोटे मसले हल हो जाए, जितना हम आप अगर इतना ही कॉन्सेप्ट था कि जी मुल्क के लिए ये करना है तो चले मुल्क का नाम रोशन होगा, तो फिर ज्यादा तो उमर उन खताब की रियासत का नाम ही बता दे, चले देखते हैं किस साहबी ने मुल्क का नाम रोशन किया, एक भी साहबी बताएं जिसने मुल्क का नाम रोशन किया, आई एम टॉकिंग टू ऑल इंडियंस एंड पाकिस्तानी स्पेशली, एक साहबी का नाम बताएं जिसने कहा मैंने मुल्क का नाम रोशन करना है और उसने किया भी हो, वो मुल्क ही नहीं कोई था तो मुल्क का नाम कैसे रोशन करेगा साहब, आप दुनिया में वो सूरज उतारने आए हुए हैं जिससे पूरी दुनिया रोशन होनी है, पूरी दुनिया को रोशन करने का नाम इस्लाम है, नस्लों को रोशन करने का नाम इस्लाम है, यहाँ पे बैठे हैं और मेडल उतार रहे हैं कि जी मैंने मुल्क का नाम रोशन किया, ये नई डेफिनेशन लाएंगे, बच्चे ने कभी इस्लाम की तरफ नहीं आना, उसको पता होगा भाई कोई और सब डेफिनेशन है, ये मुफ्त में मौलवियों का कोई पार्ट है, कोई कोई जिक्र है, कोई वजीफा इनका कि जी इस्लाम भी कोई चीज है, वी हैव चेंज द वेरी डेफिनेशन ऑफ द यू नो द वेरी वर्ल्ड व्यू ऑफ द चाइल्ड, वो दुनिया को देखता ही ऐसे, तो होम स्कूलिंग अगर आपने करानी है तो फिर दुनिया रोशन कराने के लिए चिराग लगाने पड़ेंगे, ये आपका मुल्क भी रोशन हो जाएगा, आपको बहुत शौक है किसी को कोई आर्ग्यूमेंट जेहन में आ रहा हो कि नहीं नहीं ये भी तरीका है, तो ठीक है आपके मुल्क का नाम ही रोशन हो जाएगा, आपके मुल्क से निकलेगा वो मुसलमान जो पूरी दुनिया को रोशन करेगा, गौर समझे मुसलमान की आइडेंटिटी क्लियर बहुत क्लियर है पहले दिन से, वी आर बाउंड्री लेस पीपल, हम तो बाकी के सियारों की बातें करते हैं हमारी किताब, यहाँ पे हम अपने सियारे को छोड़ के उसके अंदर एक छोटा सा दायरा खींचा उसके अंदर बैठ गए हम कि जी ये मेरा मुल्क है, वी आर बाउंड्री लेस पीपल, वी आर गोइंग टू एनलाइटन इंशाल्लाह, वी आर जलाएंगे हर कोने में जाके थ्रू द नॉलेज दैट मुस्लिम्स आर किड्स आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव, आर देयर किड्स आर गोना हैव, दैट्स हाउ इस्लाम इज डन, ओके दैट इज द बेयर मिनिमम, आगे के भी लेवल्स